गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. आपको इनका सम बताना है. 1 + 3 + ……2001 इसका सम बताना है आपको. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ये सब क्वेश्चन आपने क्लास 10th किए हैं. सबसे पहला काम है हमें नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना. तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? Tn. Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म कितना है हमारा? 2001 है. इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में फार्मूला लिखना है. डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग. अब आप क्या काम करिए, इसको इधर लेके आएंगे 2000 हो जाएगा. इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो 1000 हो जाएगा. इक्वल टू एन माइनस वन, 1 को भी इधर ले आइए तो आपका आ जाएगा एन इक्वल टू 1001. यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 1001. अब आपको निकालना है कि इनका सम क्या है. तो आप आराम से निकाल लेंगे. आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल. ए का मतलब फर्स्ट टर्म और एल का मतलब लास्ट टर्म. अब ये आपका काम है सॉल्व करने का. ये आप आराम से कर लीजिएगा. कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है. बहुत आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. यहां पर बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चे 100 और 1000 को भी इंक्लूड कर लेते हैं. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बिटवीन. तो 100 के बाद अगला नंबर क्या होगा उसको पता करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक समझाता हूँ. 100 तो 5 से डिवाइड है, तो यानी फर्स्ट नंबर क्या आएगा? 105. सेकंड नंबर क्या आएगा? 110 डैश 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 डैश. अब 1000 नहीं होगा बेटा, 1000 इनके बीच में लेना है. तो होगा आपका 995. अब आपको सम निकालना है तो पहले तो ये पता होने चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं. तो लास्ट टर्म इक्वल टू, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी क्या है आपका? 5. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एन की वैल्यू. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 179. अब आपको सम निकालना है इसका. आराम से निकाल लेंगे. एन बाई टू एस 70 179, एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए. ये आराम से आप सॉल्व कर लेंगे. कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे सवाल. क्वेश्चन नंबर 3. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. यानी फर्स्ट टर्म अगर आंसर 3, फर्स्ट टर्म 2 है. द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट 5 टर्म्स जो होते हैं वो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी. यहाँ पर वो काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म्स के बाद भी आपको दे रखा है इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. आपको सम की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है. फर्स्ट टर्म क्या होता है? a. सेकेंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी. थर्ड टर्म क्या होता है? a प्लस टू डी. फोर्थ टर्म क्या होता है? a प्लस 3d. फिफ्थ टर्म क्या होता है? a प्लस 4d. इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. नेक्स्ट 5 टर्म क्या होगा? 2 प्लस 5d प्लस 2 प्लस 6d 2 प्लस 7d 2 प्लस 8d एंड 2 प्लस 9d. 5 ये हो गए और नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5 ये हो गए. ये आपको दे रखा है. अब आप इनको ऐड कर लीजिए. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5. तो 10 हो गया. प्लस 1 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10d. अब इधर आ जाइए. यहाँ पे क्या होगा? इस 4 को नीचे ले आइए, इस तरफ ले आइए 4 को. अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी 10 होगा. प्लस 6 + 5 11 11 + 7 18 18 + 8 26 26 + 9 26 + 9 35d.
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 40D इक्वल टू 10 प्लस 35D। इसको आप इधर ले आइए 5D हो जाएगा, इसको आप इधर ले आइए माइनस 30 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 6। अब आपका 20th टर्म क्या होगा, आप सभी को पता है 20th टर्म क्या होगा, A प्लस 19D। तो A की वैल्यू आप सभी को पता है 2 है, 19 इंटू माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये आपका हो गया 2 माइनस 6 9 जो 54, ये आपका माइनस का 112 आएगा आपका। यही आपको प्रूफ करना था, आपका आंसर आ गया। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी माइनस 6 माइनस 11 बाई 2 माइनस 5 आर एडेड टू गिव सम दिस। सबसे पहला काम है, आपको कह रहा है कि कितने टर्म होंगे जिनका सम आपका माइनस 25 आ रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी आंसर 4। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, तो यानी एस एन इक्वल टू 25 है आपका, माइनस 25 है। सबसे पहला काम है बच्चों हमें नंबर ऑफ टर्म्स को निकालना, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारा निकल जाएगा, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बाई टू आप सभी को पता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये लिखा आपने n बाई टू, n की वैल्यू पता नहीं हमें, a की वैल्यू हमको पता है माइनस का 6 है, तो ये माइनस 12 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों, सक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग, d आप जब आप निकालेंगे तो माइनस 11 बाई टू और माइनस 6 करेंगे तो आपका 1 बाई टू आएगा बेटा, सक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सक्सीडिंग माइनस प्रिसीडिंग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 बाई टू, तो यहाँ 1 बाई टू लिख लेते हैं हम लोग। अब आप क्या काम करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये माइनस का 50 हो गया, ये आपका n हो गया माइनस का 12, ये कितना आ गया आपका, इसको एलसीएम चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस n माइनस 1 बाई टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तो इसको आप चाहें तो धराचार्य के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप, चलिए धराचार्य के फार्मूले से सॉल्व करते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, माइनस बी तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 100 है, अपॉन 2 ए। सॉल्व कर लीजिए इसको आप, 625 में से 400 गया, 225 का 15 होता है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 15 बाई 2, एक बार प्लस की वैल्यू ले लीजिए तो 40 बाई 2 यानी एन की वैल्यू 20 आएगी, एक बार आप 25 माइनस 15 ले लीजिए तो आपकी 10 आएगा, 10 बाई 2 5 आ जाएगा, यानी एन की दो वैल्यूज आएंगी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि 5 टर्म का सम जो है वो भी 25 माइनस 25 आ रहा है और 20 टर्म्स का सम भी माइनस 25 आ रहा है, ऐसा हो सकता है। जब आप इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होगा कुछ टर्म माइनस होते होते जाएंगे तो वो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको बढ़ा देंगे, लेकिन जब आप उनको जोड़ेंगे तो वो सम जो है आपका माइनस 25 ही आ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आंसर 5, इन एन ए पी इफ द पीएथ टर्म इज क्यू, पीएथ टर्म इज क्यू एंड द क्यूएथ टर्म इज 1 बाई पी, इन एन ए पी, ए पी आपकी एक ही है, तो लेट द फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो पीएथ टर्म क्या होगा, पीएथ का मतलब पीएथ टर्म क्या है आपका 1 बाई क्यू है, और क्यूएथ टर्म क्या है आपका 1 बाई पी है, तो बना लेते हैं हम लोग 1 बाई क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या होगा बच्चों, 1 बाई पी इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, 1 बाई पी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या काम करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, डी की वैल्यू निकल आएगी जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू
आ जाएगी, फिर डी की वैल्यू को उठा के किसी में भी पुट कर दीजिएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपसे पूछा गया है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/2 पी क्यू प्लस 1, सम पूछा गया है आपसे। तो एस पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पी क्यू बाई टू टू ए, जो ए की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, प्लस एन माइनस वन, एन क्या है पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर जो भी आपसे पूछा गया है वो आ जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, आगे आप बहुत आराम से प्रोसीड कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर 6, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन एन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ दिस इज 116, यानी सम दे रखा है मुझको, एस एन इक्वल टू 116 दे रखा है, ए की वैल्यू मेरी 25 है यानी फर्स्ट टर्म 25 है, और डी की वैल्यू क्या है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग यानी कि माइनस 3 है। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म निकल जाएगा मेरा, लेकिन उसके लिए मुझको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी हमारी, एस एन हमको दे रखा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे हमारा एन निकल आएगा बच्चों, एन बाई टू हो गया टू ए 50 हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस 3 हो गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, यहां से एन की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ रही है एक 29/3 और एक वैल्यू आ रही है एन की 8। तो हम लोग ये एन तो फ्रैक्शन में होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो आप यही बोलेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा, ये थोड़ी बोलेंगे कि आधा डेढ़वां ठीक है ढाईवां, ये थोड़ी बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, हम लोग पूरा पूरा नाम लेते हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, तो यानी ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आपका एन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो उसने यही पूछा है कि एन क्या होगा, फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा आपका, टी एन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए क्या है 25 है और एन क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, डी की वैल्यू माइनस 3, तो ये आपका 25 माइनस 21 यानी कि 4 आ जाएगा। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, सब आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी आंसर 7, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज kth टर्म, kth टर्म यानी टीके की वैल्यू आपको दे रखी है 5k+1, आपको सम निकालना है एन टर्म्स का। कोई बात नहीं, पहले मैं 1 रख के देखता हूँ तो उससे मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5 × 1+1 यानी कि 6, सेकंड रख के देखता हूँ 5 × 2+1 यानी कि 11, यानी कि डी मेरा क्या आ गया सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग आपका 5 आ गया। अब उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है एस एन, एस एन क्या होता है बच्चों, आपका लास्ट टर्म की वैल्यू मुझको पता है ठीक है, तो अगर एस एन पूछा है तो जो आपका टी एन होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5n+1 हो जाएगा, बस k की जगह n रख दीजिए, n का मतलब लास्ट टर्म, फॉर्मूला लगा दीजिए n बाई टू ए प्लस एल, ए क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है 5n+1 ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, n बाई टू 7+5n ये आपका आंसर हो जाएगा। सर 8, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स ठीक है, फाइंड डी। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, मैंने आपको बताया था, अगर किसी बच्चे को ध्यान हो, मैंने एक चीज बताई थी अपने किसमें, अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के लेक्चर में एपी के, तो मैंने कहा था अगर कोई फॉर्म इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका कॉमन डिफरेंस होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस होता है इसका 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म, ये अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2a यानी कि 2q इसका कॉमन डिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कैसे आया तो मैं आपको समझा सकता हूं, आप n की जगह 1 रखिए ठीक है, सबसे पहला काम है आपको क्या निकालना पड़ेगा, Tn निकालना पड़ेगा, Tn निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आंसर आ गया मेरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको प्रोसेस से करना है तो आप क्या करेंगे, Sn Sn माइनस 1 यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो लिख दीजिए आप, ये लिखा फिर आपने जहाँ जहाँ आपका n होगा वहाँ n माइनस 1 लिख दीजिए,
इसको सॉल्व करिएगा बच्चों आप। जब आप सॉल्व करेंगे तो tn जब निकालेंगे आप, तो जो भी आपका आएगा tn, फिर आप उसमें n की जगह 1 रखिएगा, फिर उसमें n की जगह 2 रखिएगा और फिर डिफरेंस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो दिस। 2ap है आपका, 2ap है, तो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ap, ऑफ फर्स्ट ap इक्वल टू फर्स्ट ap बी a1 एंड d1, एंड द सेकेंड एंड द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी बी ए टू एंड डी टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, दोनों दोनों में एन टर्म्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है दोनों में, लेकिन दोनों का रेशियो क्या है आपका, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। फॉर्मूला लगाइए, n बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन n बाई 2 टू ए 2 प्लस एन माइनस 1 डी 2। ये कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया। अब आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। 18th टर्म क्या होता है, a प्लस 17d, यानी कि किसी भी तरीके से हमको a प्लस 17d के फॉर्म में लेके आना है, तभी हम लोग रेशियो को निकाल पाएंगे। यहां से आप जबरदस्ती 2 को कॉमन ले लीजिए, जबरदस्ती 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 डी वन अपॉन ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू डी टू इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब आप देखिए ध्यान से, टू फाइंड द 18th टर्म, टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, फॉर इट 9 माइनस 1 बाई टू इक्वल टू 17, यहां 17 होना चाहिए, तो आपका n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 प्लस 1 35, यानी n की जगह अगर हम 35 रखेंगे तो हमारा जो है 18th टर्म के रेशियो आ जाएंगे। आप देख लीजिए, 35 रखिए, 35 माइनस 1 कितना होगा, 34 बाई 2, ये आपका आ जाएगा a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2 इक्वल टू n की जगह 35 रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर 10, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू पी प्लस क्यू टर्म्स। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया और फर्स्ट टर्म को ए मान लिया। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, किसी एपी के पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स के इक्वल है, तो निकाल देंगे फर्स्ट पी टर्म्स क्या होगा, पी बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये आपका क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब आप क्या काम करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टू से टू तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ए पी, यहाँ क्या आ जाएगा टू ए क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू क्यू माइनस वन डी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका पी पी माइनस वन डी, इसको इधर ले आइए, ठीक है बच्चों, पी माइनस क्यू कर लीजिए, डी को आप उधर ले जाइए, ठीक है बच्चों, तो ये डी को आप उधर ले आइए तो क्या आ जाएगा क्यू
क्यू माइनस वन, ठीक है, माइनस का पी, पी माइनस वन आ जाएगा आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए। यहाँ पर प्लस का वन कॉमन लिया, यहाँ पर प्लस का वन कॉमन लिया तो पी माइनस क्यू आया, ठीक है बेटा। अब माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर पी प्लस क्यू, लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि आपने यहाँ चेंज किया है, माइनस पूरे में लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा आपका। पी माइनस क्यू भी बाहर ले लो, इससे कैंसिल हो गया, तो टू ए इक्वल टू माइनस डी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। अब आपको बताना है टू फाइंड एस पी प्लस क्यू क्या होता है, पी प्लस क्यू बाई टू, फिर टू ए, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो टू ए की वैल्यू यहां रख दीजिए आप, पी प्लस क्यू माइनस वन। अब आप क्या काम करिए, इसमें से डी कॉमन ले लीजिए, तो डी पी प्लस क्यू बाई टू, जब डी कॉमन है माइनस का पी माइनस का क्यू प्लस का वन प्लस का पी प्लस का क्यू प्लस माइनस का वन, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि जीरो आ गया। ये आप याद कर लीजिएगा, ये कभी कभार क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन में भी आ जाता है। यानी आंसर 11, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी, यानी कि आपका हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट पी, पी बाई टू, ठीक है, आपका 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, q बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यहां पर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेम है क्योंकि ऑफ एन ए पी है। c क्या हो जाएगा आपका, r बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये थर्ड हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है ये प्रूफ करके दिखाओ, तो पहले मैं क्या काम करूंगा, बहुत आराम से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, मैं आपको इसकी अच्छी टेक्निक समझाता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, वो भी सही है। a बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताइए खुद, वन बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन, पी माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही यहां से क्या होगा, b बाई क्यू इक्वल टू, b बाई क्यू इक्वल टू वन बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही यहां से c बाई आर की वैल्यू निकाल लीजिए, वन बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है a बाई पी का हिसाब किताब किससे हो रहा है, q माइनस आर से हो रहा है, तो आप क्या काम करिए, a बाई पी इधर भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहां पर p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर भी p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फिर सबको जोड़ लीजिए, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो एक तरफ कॉमन ले लीजिएगा a और दूसरी तरफ कॉमन ले लीजिएगा d, आप देखिएगा ये सब कैंसिल हो जाएगा और आपका जीरो आ जाएगा। इस तरीके से करना है। थैंक यू।